बार बार भाई बाल ये डिस्टर्ब करते रहे। पेपर में दिया है भाई 3 दिन तक लाइट नहीं आएगी हमारे यहाँ के सर के ऊपर भाई, कितने मच्छर ये देख रहे हैं। सोचे नहीं थे इतना सुबह सुबह उठेंगे, गाय के बीच में उसका दूध पी रहे हो बिना गारे। लगता नहीं है लाइट आएगा, वैसे बाहर पूरी अंधेरी अंधेरी। सुबह सुबह उठा जाएगा तो जाया जाएगा जिम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 5 बज रहे हैं सुबह के और पार्क में आए। पार्क भाई सुबह सुबह खुला हुआ है, हमको लगा है पार्क भी 6 बजे के करीब खुलता है। यार ये तो बहुत लोग सुबह सुबह उठता है, बस हम ही लेट से उठते हैं। वैसे ये दोनों भी उठ गए हैं सब, और देख रहे हो पार्क में भयंकर, वहाँ यहाँ की साइड नहीं वहाँ की साइड एक्सरसाइज करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा ही भीड़। इतने जल्दी उठ गए तो अभी ढंग से भाई सुबह तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी कहे थे ना आपको सुबह सुबह उठा जाएगा तो जाया जाएगा जिम, तो वही निकला जाएगा अभी कुछ देर में। तो आए लोग पार्क में पहले थोड़ा बहुत इसी तरह एक्सरसाइज करते हैं। लोग मच्छर काट रहे हैं सब यार सुबह सुबह, एंड फ्लैश लाइट ऑन करके ब्लॉग बना रहे हैं, वरना बिना फ्लैश लाइट को दिखेगा ही नहीं। अभी धीरे धीरे सुबह हो रहा है, अभी चेहरा भी मेरा पीलापन आ रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ये जरा चेक करो इसके सर के ऊपर भाई, कितने मच्छर ये देख रहे हो ना, बाप रे। तो यार अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं लो, और हम सोचे नहीं थे इतना सुबह सुबह आदमी उठता है। देख रहे हो हमारे साथ वहाँ पर पीछे लोग कितना आ रहे हैं सब, पीछे देखो। अभी धीरे धीरे उजाला हो रहा है, अभी कुछ देर में पूरा ही उजाला हो जाएगा। अभी वॉक करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करते हैं। धीरे धीरे सवेरा होने लगा, यहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हरा हरा पौधा ही दिख रहा है, पूरा हरा भरा देख रहे हो ना। अभी हल्का फुल्का सवेरा हो चुका है, देख सकते हो जरा, अभी कुछ देर में पूरे अच्छे तरीका हो जाएगा। एक जो था ना इसके साथ भाई गया है अपना जिम वाला बैग लेने, तो अभी लेकर आता है, फिर हम लोग निकलते हैं। लोग हम सोच रहे थोड़ा यहाँ पर एक्सरसाइज कर ले, फिर वहाँ पर जाकर जिम में बस शोपीस कर लेंगे, अब बस दिखा देंगे छोटा मोटा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और असली तो मज़ा सुबह सुबह है भाई एक्सरसाइज करने में। देख रहे हो सुबह सुबह कितने लोग हैं, लोग यार बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। जरा ऑटो तो सब लोग एक्सरसाइज कर रहा है, हमको उठने में लेट हो जाता है, इसलिए ना हम सुबह सुबह नहीं देख पाते कितने लोग एक्सरसाइज करने आता। हम तो आते थे भाई 7 बजे एक्सरसाइज करने, 7:30 बजे, वो कोई टाइमिंग थोड़ी नहीं होती है। असली तो एक्सरसाइज सुबह सुबह कर रहा है, और मच्छर भाई बहुत ज़्यादा काट रहा है सब। जिस हाथ में फ़ोन लेकर ब्लॉक कर रहा है उस हाथ में मच्छर फोन चूस रहा है। भाई फाइनली निकल चुके हैं लोग पार्क में से एक्सरसाइज कर कर, और अब जा रहे लो जिम। जिम में क्या क्या किया जाएगा, बस भाई सॉफ किया जाएगा, कुछ नहीं भाई हमको कुछ करने नहीं आता है, बट इसी तरह जा रहे हैं, देखते हैं क्या वहाँ पर सुविधा है। बस इन लोगों के वजह से जा रहे हैं, वरना हम जिम जाते हैं घर पे जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं वही कर लेते। और सोचे नहीं थे इतना सुबह सुबह उठेंगे, बट आग खुल गई, और ना लेट से सोते ही है आप लोग जानते ही हो लोग। तो अभी चलते हैं और डायरेक्ट मिलते हैं आपसे जीवी पर, चलो चलते हैं। ये देखो साइकिलिंग अभी हो रही है, इसका भी हमारा भी कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो पूरा जिम। तेरे शहर बिच खाली कर निकल बनी एक जीप खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे मैं दो लेना नहीं मैं डाकू। रगल देखो इसका, लो यार इनका देख लो भाई से हमसे केवल यही हो पा रहा है, वो भी हल्का वेट करके देख लो मार रहा है। गाइस आज जिम में लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेरा दिख रहा है, नहीं तो पूरा लाइट लगा रहता है।
तो गाइस गए हुए थे लो जिम, और जिम में से वापस आ गए लो। इन लोगों का तो भाई हैबिट है, और हमारा हैबिट ही नहीं है किस तरह मारना चाहिए भाई। मेरा जो हाथ है ना भारी लोड नहीं ले पा रहा है, वजन ही नहीं उठा पा रहे उतना, क्योंकि भाई देख रहे हो ना कितना कमज़ोर आदमी है। और ऊपर से हमको देखकर भाई लोग बड़े बड़े आदमी हंस रहे लोग, हमारा तो फुल मजाक बना दिए हैं लोग, थोड़ा बहुत किए हैं लोग, और फिर निकल गए लोग वापस से घर। और आदित का फ़ोन भी आ रहा था कि कहाँ पर हो कहाँ पर हो, तो कह लो आ रहे लोग कुछ देर बस। एंड भाई आज सुबह का मौसम बहुत प्यारा हुआ है, और अभी यहाँ से जाएंगे घर, थोड़ा शर्ट चेंज करेंगे क्योंकि एक आधो रील बनाना है, इंस्टाग्राम पे आजकल छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा जाएंगे घर पे शर्ट चेंज कर वापस आएंगे। देख रहे हो, ये देख रहे हो इसका हाथ में नहीं आ रहा है, ये देखो, और मेरा देखो इसका, मेरा इतना आ रहा होगा इसका, ये मेरा होगा, ये देख रहे हो ना कितना मोटा है। और इसका भी भाई बहुत बहुत देख रहे हो भाई से दिखा रहा है, हमारा ज़्यादा देखो हमारा। अभी आए हुए थे लो रील शूट करने के लिए, और ये देख रहे हो ना मेरा बाल भाई सेट ही नहीं हो रहा है, कभी से इधर उधर भग रहा है। और वहाँ पर पीछे देख सकते हो भाई लोग रील शूट कर रहे हैं लोग, और हमारा तो रील शूट हो गया। ये देखो दोनों लचस में कैसे लग रहा है, एक बार इस तक कर दो। अब क्या बोलूँ, एक बात याद आ रही है जब ये डायलॉग किए तो अभी रिशु का साथ अभी छोड़े क्योंकि वो गया गाय का दूध लाने के लिए, वो आएगा फिर उसके बाद थोड़ा चला जाएगा घूमने के लिए। वैसे बस रील्स के लिए हम भाई बोल रहे थे, और वो रील्स बना लिए, बस उसको एडिट करना रहेगा और छोड़ना रहेगा। आज पहली बार हमको सुबह उठना कुछ प्रॉफिट हुआ, वरना रोज उठते हैं तो भाई कुछ ना कुछ अजीब होता है, आज थोड़ा बढ़िया हो रहा है। ऐसे ही बढ़िया दिन जाए मज़ा सा आ जाएगा। फिर फ़ोन से बना रहे लो, और कैमरा रहता तो और क्वालिटी बढ़िया जाता, भगवान चाहेंगे कुछ दिन में कैमरा भी आ सकता है अगर बढ़िया जाए तो, समझ सकते हो आप लोग। और ये चश्मा शूट कर रहा है यू सर हमारा, साथ में चश्मा लगा कर दोनों लोग साथ घूम रहे लो, और बाकी सब तो रील्स देख सकते हो शूट हो ही रहा है। बट गाइस आज तो जिम कर लिए, और देखना पूरा शरीर आज दुखेगा, आज गए थे जिम। सही, हाँ क्या क्या किए हो जिम? अरे ऐसे ही गए छोटा मोटा मार लिया, अरे तुम्हारा फोन ही पे आ जाता, गए भाई इस मार लिए थोड़ा बहुत जो दिखाएं आपको। इस एरिया में पूरी लाइट ही नहीं है, रात को 1 बजे से कटी है यार, और मच्छर ने तो परेशान गर्मी हो रहा था, मच्छर काट रहा था, हम 3 बजे जग गए अभी तक सोए नहीं। लाइट का इधर बहुत ज़्यादा समस्या है, पता नहीं क्यों लाइट कटा है, अभी तक लाइट है, फोन किसी का चार्ज ही नहीं है। और बट हमारे पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे ना फोन चार्ज करने से भाई उसका ना जो बैटरी होता है वो थोड़ा डाउन होता है, चार्ज किया जाएगा, इसका तो चार्ज कर सकते हैं, अपना भी चार्ज कर लेंगे, चार्ज नहीं रहेगा तो वही एक उपाय है इन्वर्टर पे चार्ज करो। पता नहीं क्यों काटा है लाइट काट दिया है भाई, अलग ही रहा है। ये देख रहो सूज, देख रहा ना मस्त सूज पहन करा है, रील्स बनाया लो। ये बार बार भाई बाल ये डिस्टर्ब कर दे रहा है, रील्स में भी बहुत डिस्टर्ब किया। एक रील्स बनाने के लिए कितने लोग का भीड़, वाह क्या स्टार है सब। आज गए सुबह सुबह उठ गए, इतना मस्त फीलिंग आ रहा है, इतना मस्त पूरा माइंड पॉजिटिव हो गया यार, पूछो मत। रोज कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सुबह सुबह उठ जाए, बहुत ही मस्त लगा है सुबह उठने। अरे भाई चश्मा निकाले तो पूरा वाइट दिखने लगा है, वैसे चश्मा पहन रहे तो पूरा ब्लैक दिखने लग रहा है, वैसे चश्मे पे स्मार्ट लग रहा है ना भाई। एक ऐसा चश्मा लग रहा है, ये फ्यूज का एक्चुअली डाल रखे हैं, और वो सब मेरा चश्मा छीन लिए सब अपना रील्स बनाने के लिए, बहुत होशियार है सब। अभी यहाँ से रील्स शूट कर चलते हैं घर पे, ब्रश भी नहीं किया, नहाए भी नहीं है, तो चलेंगे तो पहले ब्रश करेंगे और नहाएंगे। तो भाई फाइनली हम लोग का सारा रील्स कम्प्लीट हो गया, अब सब लोग निकले, देख रहे हो दोनों मैचिंग ग्रीन पहन कर जा रहे लो, एक्चुअली हम दोनों अपना एक्सचेंज कर लिए लो, और हम लोग का काम हो गया, अब बस चेंज करना है तो घर जाकर इसको करते हैं चेंज। देख सकते हो शर्ट चेंज कर ली है, और साथ में घर गए तो सूज भी चेंज कर ली है यार, वो सूज में भाई गंदगी लग गई, उसको साफ कर रखना पड़ा है। अब वो केवल सूट के लिए सूज है, तो वो सूट पे निकाला करेंगे। और अभी जा रहे लोग गोईठा लेने के लिए, घर पे पूजा होता है तो गोईठा ख़त्म हो गई थी, देख रहे हो झोला ले लिया, इसी में भर कर लाया जाएगा गोईठा, तो अभी चलते हैं गोईठा लेने के लिए। देख रहे हो पूरी गाय हर जगह यही पे गोईठा लेने के लिए आए हैं लोग, कितनी प्यारी लगती है सब गाय, बस मारती है तो बेकार लगता है, देख रहे हो। ये देखो बछड़ी, अरे यार ये मेरे नानी के घर पे पहले ऐसे थी सब, अब हटा दी गई है। वहाँ पर देख रहे हो कितनी छोटी है वो वाली, वो देखो कितनी छोटी है, वहाँ पर भी छोटी है, उसके मस्त लगती है सब गाय।
गाय के बीच में उसका दूध पी रहे हो बिना गारे। भूसा खा लो, ले जाओ घर, उसका बिरयानी बना कर खा लेना। ओके, अब भूसा रखा ही हुआ है और साथ में वो चटनी रखा है, हरा हरा वाला में चटनी रखा है, साथ में बिरयानी रखा है। भाई खा ले यार, एकदम मस्त परफेक्ट लगेगा। क्या ये खाते हो ना, स्वाद मालूम होगा। खाता है लेकिन इसको आज मस्त नहीं लगेगा। लो यार, हम लोग का गोईठा भी आ गया, अब इसको लेकर यहाँ से चलते हैं लो। और इसके जस्ट बगल शंकर भगवान का मंदिर है। तो यार अब मस्त ले लिया लो गोईठा, अब चलते हैं लो। तो गाइस फाइनली नहा तो लिए, बट यार लाइट ही नहीं है, इसके वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। जो टंकी में पानी तो उसी पानी से नहा है, और नेटवर्क भी चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। यार पता नहीं, दिमागी काम नहीं कर रहा, कैसे वीडियो अपलोड करें। जियो का सिम है इसलिए नेटवर्क अभी बिल्कुल भी नहीं चला है, लाइट नहीं है। तो जब नेटवर्क चलने लगेगा तब वीडियो को अपलोड करेंगे, अभी तो भाई वीडियो भी अपलोड नहीं है। तो अभी फ़िलहाल बस बैठ कर थंबनेल बनाना है और वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा जब नेटवर्क आएगा। तो देखते हैं आज लाइट कब तक आता है, वरना तो यार ब्लॉग लेट ही जाएगा बहुत ज़्यादा। ब्लॉग आएगा, चिंता मत करना, आएगा ज़रूर, बट लेट हो सकता है क्योंकि लाइट नहीं है और नेट बहुत ही स्लो हमारे यहाँ। जब लाइट जाता है तो भाई नेटवर्क भी स्लो चलने लगता है। क्या आपके यहाँ भी होता है? होता होगा तो बताना जरूर कमेंट में। अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, थंबनेल बनाते हैं और नेटवर्क का वेट करते हैं, कब तक नेटवर्क आएगा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो गाइस अभी थोड़ा गए हुए थे एक काम से बाहर, और बाहर इतनी तगड़ी वाली धूप हो रही है, बाप रे बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है। और अभी बाहर से आकर भाई घर में लेटे हैं थोड़ा, और यहाँ पर दिख रहे हो क्या हुआ यार, दाना हो गया है, सारा मच्छर है, लाइट है ही नहीं यार, अभी तक नहीं आया। सुनने में आया 3 दिन तक लाइट नहीं आएगी। भाई 3 दिन तक क्या होगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगा? मोबाइल चार्ज की बात छोड़ो, इंटरनेट तो चली नहीं है बिल्कुल, जियो बिल्कुल भी चल नहीं रही है। और उस बात को छोड़ो, और आए थे बाहर से तो सो रहे थे, और इतनी तगड़ी वाली गर्मी हो रही है भाई, उमस बहुत ज़्यादा, सर में अभी तक दर्द हो गई है, इसीलिए चले गए थोड़ा लेटने के लिए। नींद तो लग नहीं रही है, कब तक लाइट आएगी, वरना लाइट की कोई तो गारंटी है नहीं, क्योंकि पेपर में दिया है भाई 3 दिन तक लाइट नहीं आएगी हमारे यहाँ। देख रहे हो ना, ये रात के वक्त हो रहे हैं और बिल्कुल भी अभी तक लाइट नहीं आई है, 3 दिन तक लगता है अंधेरा रहेगा। और ये देखो पीस कैसा दिख रहा है, एक मिनट इधर पास में आओ ना पास, ये क्यों ब्लर कर रहा है? अरे यार एक मिनट, अब हो गया सही। और ये देख रहे हो नीचे, एंड गाइस आज लगता नहीं है लाइट आएगा, वैसे बाहर पूरी अंधेरी अंधेरी हो गया, पीस भी आ चुका है, आदित्य भी बुला ही रहा है। तो चलते हैं थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, क्योंकि दिन में तो ब्लॉक किए नहीं, लाइट वैसे है ही नहीं घर पर, तो क्या ब्लॉक करें। सुबह का अच्छा खासा ब्लॉक कर लिए थे तो उसमें मेंटेन हो ही जाएगा। अंधेरे में चलते लोग कहीं घूम कर आते हैं लोग, वैसे घर में बैठे बैठे मच्छर तो काट रहे, तो पूरा हाथ भाई सुझा दिए सब, तो अभी चलते हैं बाहर। आपको हर जगह अंधेरा देखने को मिलता होगा जी, देख लो आगे पीछे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, कैसे ब्लॉग शूट करूँ पता ही नहीं चल रहा है। वैसे बैक कमरे से कर सकते हैं, बट अंधेरे में कुछ दिखना भी तो चाहिए, डायरेक्ट फ्लैश लाइट आँखों में जाएगी और फिर दिखेगा ही नहीं आगे का भाई, और अंधेरा ही अंधेरा है। अब जाकर थोड़ी हमारी फेस पे लाइट आने वाली है, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ा है थोड़ी फेस पे लाइट आने वाली है। देख रहे हो यार लाइट आ गई, क्योंकि इतनी लाइट देख रहे हो कितनी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉल है, इसलिए मॉल की लाइटें बाहर लगी रहती है। तो आ रही चेहरे पर, जैसे आगे जाएंगे तो वही हाल हो जाएगी। तो अभी जा रहे लो चाय पीने के लिए, और वहीं पर मिलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली चाय ले लिए लो, देख सकते हो सारे लोग पी रहे लो, ये नमकीन डाल लिया है, वाह हमारे में नमकीन नहीं, देखो सारे में नमकीन है, उसके में भी नमकीन है, लाओ। हाँ बढ़िया, तो अभी फिलहाल पीते ही थे। तो यार चाय पी लिए और अभी है स्टेशनी के पास, और कल यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, आज बिल्कुल भी भीड़ है ही नहीं। एंड दोपहर में कितनी तगड़ी वाली धूप निकली थी, अभी भाई बहुत मस्त वाली हवा चल रही है, रात हो गई है, ऐसी हवा चले तो मज़ा सी आ जाएगी। और वो वहाँ पर पहुँच कर देख रहे हो क्या कर रहे हैं सब, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। हम लोग के बलिया पे एक जो सॉन्ग निकला है यार, इतना वायरल गया भाई, बलिया का नाम हो गया है, सब लोग आकर इधर फोटो खिंचाते रह रहे हैं। देख रहे हो पीछे, एक दिन में तो आदमी 1000 फोटो खिंचा लेता होगा यहाँ पर। देखो ये भैया को देखो, ये देख रहे हो सारे लोग फोटो खिंचाता है भाई। तो अब यहाँ से कुछ देर में निकलते हैं लोग, चाय पी लिए लो, साथ में पकौड़ी भी खा लिए लो, अब यहाँ से जा रहे हो लो डायरेक्ट घर।
और लाइट में आ गए हैं ब्लॉग एंड करने के लिए, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा शरीर थका हुआ है क्योंकि सुबह गए हुए थे ना खेलने के लिए, तो इसलिए अभी पूरा शरीर थक चुका है। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।